तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। कैलकुलेशन से रिलेटेड हर एक चीज, हर एक डिटेल्स हम आपको देंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 20 है और यहाँ पे 30 है, अब मुझे दोनों को सम करना है। तो सम करने के लिए एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला सम का आप यूज कर सकते हैं कि आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। और हड़बड़ाइए मत, सम फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए। एक तो तरीका है कि इनबिल्ट फॉर्मूला यूज कर ले, या दूसरा तरीका है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, ठीक है, बी टू प्लस डी टू कर दिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये जो मैथ आपका जो इनबिल्ट फॉर्मूला लिमिटेड है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको दिया हुआ है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स कौन कौन से है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एंड एक लास्ट पावर है। इनको आप अपने हिसाब से, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए जी? तो कैसे करेंगे? तो यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वार्टर वन है, दूसरा क्वार्टर टू है। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको मैं। क्वार्टर वन में 50 सेल है, क्वार्टर टू में 60 सेल है, और मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ का फॉर्मूला हो सकता है एक्सेल में हो सकता ना हो, हो तो कैलकुलेशन, उसकी जो कैलकुलेशन का तरीका है उसको मुझे उतना बिलीव नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कहता है कि क्वार्टर वन माइनस क्वार्टर टू डिवाइड बाय क्वार्टर टू, क्वार्टर वन माफी, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में, क्योंकि बोर्ड मास मेथड का यूज करना बहुत जरूरी है। लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, रिजल्ट आ गया आपका 20% का बढ़ोतरी हुई है। अगर इसी तरह से एक और, जैसे कि कल शाम को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मतलब 50 रुपए की सामान को उसने मान लीजिए 55 रुपए के सामान में बेचा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? तो क्या कहता है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या बोलता है, बोलता है कि सेल माइनस परचेज डिवाइड बाय परचेज, यही है ना सर? तो सेम यहां पे क्या करेंगे हम, करेंगे सेल माइनस परचेज डिवाइड बाय परचेज, फिर 10% की प्रॉफिट। बात सही ना, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 50 रुपए, 5 रुपए कमाया, 10% कमाया है। ओके, समझ गया जी। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आगे चलिए इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को। अब मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल है, 50,000 रुपए की हमारी प्रिंसिपल है, रेट हमारा मान लीजिए 10% है, और टाइम मान लीजिए 3 साल है। मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट हुआ विथ प्रॉफिट, सॉरी विथ इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + r / n पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, राइट सर? अब थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है ना, एक बार में करेंगे दिक्कत होगा, तो इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले करते हैं 1 + यहाँ देखिए कैलकुलेशन करते समय ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे r डिवाइड बाई एन है हमारा, ये अलग कैलकुलेशन है ना, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे। n मतलब 12, मतलब कि मंथली है, इसे 12 हो गया। तो हमने कर दिया 1 + r डिवाइड बाई एन हो गया, फिर आपका आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। फिर इन दोनों को पावर ले लेते हैं, तो हम ए कैलकुलेशन और ए कैलकुलेशन कर चुके हैं दोनों,
अब इसको पी से मल्टीप्लाई कर देता है, पी से मल्टीप्लाई कर देता और रिजल्ट आपके सामने 67,000 साधु से। पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक मेथड तो आपने सीख लिया कि किस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को ब्रेक करके किस तरह से यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे इतना हो गई, दूसरा इसमें आता है कि ये तो अलग अलग तोड़ा ना हमने, अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे। तो इसको कॉपी कर लिया हमने D14 को, और यहां पे D14 को D14 के जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, फिर E14 को सिलेक्ट करके कॉपी किया और जहां E14 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया, हो गया। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, B10 मल्टीप्लाई बाई F14, तो F14 को लिया कॉपी और जहां F14 है उसके जगह पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इसको यहां से कट करते हैं और यहां पे डाल देते हैं, समझे जी। सुनाया सर? जी सर। अब कुछ लोग कह सकते हैं ये तो सिंपल था, हम तो ऐसे भी कर सकते थे। तो चलिए एक कैलकुलेशन हम आपके बाद बताते हैं, एक कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं। मान लीजिए अब यहां पे इसको हटा देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट पे हम यहाँ पे कॉस्ट कर देते, कॉस्ट है 50, सपोज दैट कॉस्ट क्या है हमारा 50 है, और मुझे इस पे MRP निकालने है, क्या निकालने है MRP। अब MRP कैसे निकलेगा, तो MRP निकालने का अगर मैनुअल तरीका हम देखें तो 50 का हम यहाँ पे 5% निकालते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, 5% लेता है फिर अपने में ऐड कर देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने खरीद का 10% निकालता है और अपने खरीद में ऐड कर देता है, फिर 57 का वो 15% निकालता है और अपने खरीद में ऐड कर देता है, फिर रिटेलर जो है क्या कर, ये 20% निकालता है और अपने खरीद में ऐड कर देता है। मतलब कि यहाँ देख सकते हैं चैन है कि मैन्युफैक्चरर ने इसको 52 रुपए में बेचा, 50 रुपए की लागत वाले सामान को 52 में बेचा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने 57 रुपए में बेच दिया, फिर आपका होलसेलर ने 66 में बेचा और कंज्यूमर इसने कंज्यूमर को रिटेलर ने 79 में बिका। अब एक कैलकुलेशन हुआ, इस सारे कैलकुलेशन को मुझे एक सेल पे यहां करना है, तो सेम हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको कॉपी करते हैं B18 को और जहां पे B18 है उसके जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। गबर हो गई ना सर, C20 है वहां, C20 के जगह पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको यहां से डिलीट करते हैं, फिर इसको कॉपी करते हैं और यहां जहां C21 है उसके जगह पे C21 को पेस्ट कर देते हैं। अब यहां भी C21 है तो C21 को C21 के जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वापस इसको कॉपी करते हैं और यहाँ D20 के जगह पे D20 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसको डिलीट कर सकते हैं,
वापस यहाँ पे आते हैं D21, और D21 का यहाँ पे जो हमारा T21 के ऊपर जो फॉर्मूला है उसके जगह पे D21 का फॉर्मूला डाल देते हैं। यहाँ भी D21 है तो इसके जगह पे ही हम D21 का फॉर्मूला डाल देते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ E20 के जगह पे E20 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं धीरे धीरे कितना लंबा होते जा रहा है फॉर्मूला। अब यहाँ बिल्कुल E21 के जगह पे E21 का फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे और यहाँ भी E21 है तो इसके जगह भी E21 का फॉर्मूला हम पेस्ट करेंगे और इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जहाँ F20 है उसके जगह पे F20 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। कट कीजिए, यहाँ पे डालिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है, इतना लंबा फॉर्मूला आप बना सकते थे? क्या बोल रहे हैं अमित जी? इतना तो संभव नहीं है सर। बट कॉपी पेस्ट 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 हो गया। जी समझे? जी सर। इसका यूज कर सकते हैं आप। अब बात आते हैं इसमें, हम बात करेंगे इसकी, एड्रेसिंग सिस्टम की। जैसे कि यहां पे हमने कुछ नंबर लिख रहे हैं, अब इस नंबर्स को मुझे सब पे 20 ऐड करना है तो +20 कर देंगे सिंपल सा और नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आपने देखा A1 लिया, A1 मतलब ए रो एंड वन कॉलम, तो वन रो सॉरी ए कॉलम और नीचे यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखिए A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 यहाँ पे A6 हो गया, A7 हो गया, A8 हो गया। ठीक है, जी क्लियर है? जी लेकिन अगर यहाँ पे हम D पे 20 डाल देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम प्लस D20 करते हैं और नीचे ड्रैग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या दिक्कत होगी कि A1 A2 हो गया बट D1 भी D2 हो गया। अब A1 को A2 तो करना था बट D1 को D2 नहीं करना था, तो इस D1 को हम कर देंगे फ्रीज। क्या कर देंगे? फ्रीज, जी और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। हो गया सर? अब फ्रीज में अगर मान लीजिए कि मैंने सिर्फ रो फ्रीज किया, वन का आगे फ्रीज किया, अब नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे लेफ्ट टू राइट ड्रैग कीजिएगा, यह देखिए डी जो है ई हो गया। हो गया नहीं? जी तो इसलिए आपको दोनों तरफ करना है अपने हिसाब से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, जी ये थी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आपको मैंने सिखाया। अब आप, आपके पास कोई मैथमेटिक का बुक है? नहीं है। तो बुक होगा तो उसपे आप इस तरह की कैलकुलेशन देख के आप कैलकुलेशन करते। ऐसे मैं कुछ कैलकुलेशन आपको भेज देता हूं, ठीक है? ठीक। ओके।